जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो दोस्तों, दशहरा हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके बुराई का अंत किया था और इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार दशहरे के दिन को एक विशेष दिन माना गया है। इस दिन किए जाने वाले विभिन्न उपाय अत्यंत चमत्कारी और शीघ्र फलदायी होते हैं। इस दिन किए गए उपायों से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको दशहरे से जुड़े कुछ ऐसे उपाय शेयर करने जा रहे हैं जो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ये उपाय आपको दशहरे के दिन ही करने हैं, इसके लिए पूर्व तैयारियां आप कर सकते हैं, इसीलिए यह वीडियो आपको कुछ दिन पहले ही शेयर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दशहरे के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, दशहरे के दिन दोपहर के समय आपको ईशान कोण में यानी कि ईशान दिशा में शुद्ध भूमि पर चंदन कुमकुम पुष्प से अष्टदल कमल का निर्माण करना है। तो सबसे पहले आपको तय करना है ईशान दिशा को। ईशान दिशा में बैठकर आपको शुद्ध भूमि पर, भूमि को शुद्ध कर लीजिए, वहाँ पर धो लीजिए भूमि को, शुद्ध भूमि पर चंदन कुमकुम पुष्प ये तीनों चीज़ों से आपको अष्टदल कमल का निर्माण करना है। अष्टदल का कमल तैयार करने के बाद में आपको अपराजित देवी एवं जया और विजया देवी का स्मरण करके उनका पूजन करना है। इसके बाद में आपको शमी के वृक्ष का पूजन करना है। शमी के वृक्ष के पूजन के लिए आप शमी के वृक्ष के पास जाइए, वहाँ पर विधि पूर्वक सभी पूजा सामग्री आप लेकर जाइए। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद में वहाँ पूजा सामग्री को चढ़ाइए, कुछ प्रसाद के रूप में मिष्ठान चढ़ाइए। इसके बाद में शमी के वृक्ष के जड़ों में मिट्टी को अर्पित कीजिए। फिर थोड़ी सी मिट्टी वृक्ष के पास से लेकर उसे किसी पवित्र स्थान पर, अपने घर के मंदिर में या फिर अपने धन स्थान पर आप इसे रख सकते हैं। इस दिन शमी के कटे हुए पत्ते और डालियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। रात्रि में देवी माँ के मंदिर में जाकर एक दीपक अवश्य जलाकर आएं, साथ ही साथ पूरे घर में रोशनी अवश्य करें। ये काफ़ी चमत्कारी उपाय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने के बाद में घर में लगातार एक धन की आने की प्रवृत्ति होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रा में विजयदशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शमी का पौधा जीवन से टोने टोटकों के दुष्प्रभाव को दूर करता है, नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है, जीवन में सकारात्मकताओं को भरता है। इस दिन संध्या काल के समय आपको चाहिए कि शमी के वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य जलाकर आएं। यदि आपके जीवन में कोई युद्ध, कोई कलह है, मुकदमे हैं, चल रहे हैं कोर्ट में, तो युद्ध और मुकदमों से विजय के लिए शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। शमी के वृक्ष के नीचे नियम से, नियमित रूप से दशहरे से शुरू करते हुए आप एक दीपक अवश्य जला कर आएँ। नियमित रूप से इस उपाय को करने से शत्रुओं का भय समाप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। शमी के वृक्ष को तेजस्विता और दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। इसमें अग्नि तत्व की भरपूर प्रचुरता होती है, इसी कारण से यज्ञ में अग्नि को प्रकट करने के लिए शमी की लकड़ी का उपकरण बनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री रामचंद्र जी ने शमी के वृक्ष का पूजन किया था। नवरात्रा में माँ दुर्गा की पूजा भी शमी वृक्ष के पत्तों से करने के शास्त्र में विधान लिखे हुए हैं। दशहरे पर शमी के वृक्ष के पूजन की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है, आदिकाल से चली आ रही है। ऐसी भी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तो आक्रमण करने से पूर्व उन्होंने शमी के वृक्ष के सामने शीश नवाकर पूजा की और अपनी विजय के लिए प्रार्थना की थी। तो ये रामायण काल में भी इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं। स्वयं श्री रामचंद्र जी के द्वारा शमी के वृक्ष का पूजन किया गया था। महाभारत काल के समय की बात करें तो महाभारत काल में जब पांडवों को देश निकाला दिया गया था तो उन्होंने अंतिम वर्ष में अपने हथियार शमी के वृक्ष में ही छिपाए थे। शायद इन्हीं दो कारणों से शमी के पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई होगी। तो दोस्तों, घर के ईशान कोण में स्थित
शमी का वृक्ष यदि आप घर के ईशान कोण में यदि उगाते हैं तो यह विशेष लाभकारी माना जाता है। तो दशहरे के दिन आप एक शमी का वृक्ष अपने ईशान कोण में अवश्य उगाएं या फिर लगाएं। इसके अलावा आपको एक उपाय और बताते हैं, रामनवमी के दिन आपको 11 काली गुंजा लेकर आनी है, ब्लैक रंग की गुंजा लेकर आनी है, चिरमी जिसे कहते हैं, ब्लैक रंग की 11 गुंजा लेकर आनी है। और फिर दशहरे के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद में इन्हें गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से आप इसे धो लीजिए और फिर इसे पूजा घर में रखिए। पूजा समाप्त करने के बाद में आपको इनको अपने पास में रख लेना है, पूजा घर में ही इसे आप इसे रखा रखिए या फिर अपने धन स्थान पर तिजोरी में आप इसे रख दीजिए। काली गुंजा के पास होने से जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है, समस्याओं के समाधान होते हैं। जीवन में यदि कोई संकट आता है तो इसका रंग बदल जाता है और उस समय आपको चाहिए कि जब इसका रंग बदल जाए तो आप इसे तुरंत हटा दें, इसे किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें और फिर किसी शुभ मुहूर्त में इन्हें पुनः स्थापित कर दें। यह भी काफ़ी चमत्कारी उपाय माना जाता है और इससे जीवन में संकट तो समाप्त होते ही हैं, धन प्राप्ति के रास्ते भी खुलते हैं। इसके अलावा दशहरे के दिन आपको एक उपाय करना है, दशहरे के दिन आपको शाम को संध्या के समय जब दोनों समय मिल रहे हो, जब सूर्यास्त होने का समय हो और आकाश में तारे उदय होने का समय हो, यानी कि कुछ अंधेरा हो चुका हो, तारे हल्के हल्के से दिखने लग गए हो, वो समय सर्व सिद्धिदायी विजय काल कहलाता है। तो आपको सर्व सिद्धिदायी विजय काल में यह उपाय करना है, दशहरे के दिन सर्व सिद्धि विजय काल में यह उपाय आपके जीवन में शत्रुओं पर, कोर्ट में मुकदमों पर विजय दिलाने के लिए, जीत दिलाने के लिए किया जाता है। तो विजयदशमी के दिन संध्या के समय सर्व सिद्धि विजय काल में आप विजय के लिए, अपनी जीत के लिए एक मंत्र का जाप आपको करना है, कम से कम 5 माला का आपको जाप करना है, यानी कि 108 माला में मन के होता है तो 5 माला का कम से कम जाप करना है। ओम ए पराजिताय नमः, ओम ए पराजिताय नमः, इस तरह से आपको 5 माला का जाप करना है, ओम ए पराजिताय नमः। और इसके बाद में आपको किसी हनुमान मंदिर में जाकर एक मंत्र को और सिद्ध करना है, आप घर पर भी कर सकते हैं, हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष बैठकर एक दीपक जलाकर एक मंत्र आपको विजयदशमी के दिन यानी कि दशहरे के दिन आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है 5 माला जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इससे जीवन में दृढ़ता और शक्ति प्रदान होती है, मनोबल ऊंचा होता है, शत्रु शांत होते हैं और हर जगह आपकी विजय होती है। तो विजय प्राप्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय आपको और बताते हैं, दशहरे से आपको इसे शुरू करना है और शरद पूर्णिमा तक आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों, दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है, जो शरद पूर्णिमा के दिन अपने चरम स्तर पर होता है। अतः दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन आपको रात्रि में 15-20 मिनट तक चंद्रमा के आगे त्राटक करना है। त्राटक का अर्थ होता है कि आप उसे लगातार आपको देखना है, बगैर पलके झपकाए एक टक देखना है। ये काफ़ी आसान उपाय है, इससे नेत्रों के विकार दूर होते हैं, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और जीवन में आरोग्य प्राप्त होता है, यानी कि हमारे शरीर में लगने वाले, बार बार लगने वाले रोग दूर होते हैं। तो यह उपाय आपको दशहरे के दिन से ही शुरू कर देना है। इसके अलावा दोस्तों, नाग केसर का एक छोटा सा उपाय है। नाग केसर एक बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली वनस्पति मानी जाती है। ये काली मिर्च के समान गोल होती है, गेरू रंग का ये गोल फूल घुंडी नुमा होता है और इसके दाने में डंडी भी लगी होती है, इसे ही नाग केसर कहा जाता है। ये फूल गुच्छों के रूप में उगता है, पकने पर गेरुए रंग का हो जाता है। नाग केसर भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और तंत्र शास्त्र में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। तो आपको रामनवमी या फिर दशहरे के दिन एक नाग केसर का पौधा लेकर आना है और इसे अपने घर में दशहरे के दिन लगाना है। लेकर भले ही आप रामनवमी के दिन लेकर आ जाइए या फिर दशहरे के दिन लेकर आ जाइए, लेकिन लगाना आपको जो है इसको दशहरे के दिन है। तो दशहरे के दिन आपको अपने घर में इस पौधे को लगाना है और नियम पूर्वक प्रतिदिन नियम से इसकी देखभाल करनी है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते जाते हैं, उन्नति बढ़ती जाती है। इसके अलावा और भी कई
उपाय हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।